वेलकम फ्रेंड्स, आई एम नीरज सर फ्रॉम राजधानी फैमिली। आपके राजधानी फैमिली के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। देखिएगा बेस्ट इंग्लिश का पार्ट टू, हमने पार्ट वन को अपलोड कर दिया है और पार्ट टू आपके सामने है। देखिए पार्ट टू में देखिएगा क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये तीन चीज आपको समझना है। इसके पहले वीडियो हम बताए थे आपको कि सेंटेंस जो होगा और सब्जेक्ट हो प्रिडिकेट में होगा, तो प्रिडिकेट का तीन भाग हम बताए थे कि आपको वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा और अदर वर्ड होगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट में जानिएगा कि सब्जेक्ट किसको कहते हैं, ठीक है। तो कहता है सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस इज द पर्सन, प्लेस और आइडिया दैट इज परफॉर्मिंग द एक्शन। मतलब कहने का मतलब है कि सब्जेक्ट जो होगा उस सेंटेंस होगा, किसका सेंटेंस होगा, एक सेंटेंस होगा किस चीज का, हो सकता है पर्सन हो सकता है, ठीक है। ये किसका हो सकता है, भाई ये स्थान हो सकता है, क्या हो सकता है, विचार हो सकता है, ठीक है। जो क्या करेगा, आपको एक्शन को यानी कि उसके कार्य को परफॉर्म करेगा, मतलब बतलाएगा, ठीक है। अगर आप देखिए इस भाषा में नहीं समझ सकते हैं तो आपको हम समझाते हैं। अब देखिए जैसे मान लिया जाए कुछ भी घटना होता है तो उसमें एक होता है जो मेन होता है यानी उसको चर्चित होता है, ठीक है। अभी देखिए हमारा देश भारत किस चीज का, किस चीज से प्रभावित, कोरोना से। तो कोरोना यहाँ पर सबसे मेन पॉइंट हुआ, यानी ये जो हो गया आपको कोरोना जो है सबको प्रभावित करने वाला हो गया, है कि नहीं। तो उसी प्रकार से आप देखिए सब्जेक्ट जो हो सकता है वो हो सकता है लिविंग थिंग हो सकता है या नॉन लिविंग थिंग हो सकता है, यानी कि आपको डूअर हो सकता है या तो फिर नॉन डूअर हो सकता है, यानी करने वाला भी हो सकता है और नहीं करने वाला भी हो सकता है। यानी इससे आपको पता लग सकता है कि सब्जेक्ट जो होगा वो जो होगा आपको नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। सब्जेक्ट जो होगा आपको मान लिया जाए तो आप जो है पार्टिसिपल, ये क्या कहता है, वर्ब को आप बना सकते हैं, तो उस प्रकार से सब्जेक्ट आएगा आपको, ठीक है। अब देखिए सब्जेक्ट में आपको समझना होगा कि वाक में जो सबसे जिसकी मेन रूप से चर्चा हो, क्या चीज हो, चर्चा हो। जैसे हम बोलेंगे मान लिया जाए एक सिंपल सा वाक लेते हैं, राम आम खाता है, तो देखिए यहाँ पर आम खा रहा था, किसका चर्चा हो, कि राम आम खाता, ठीक है। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि राम आम खाता, यहाँ पर किसकी चर्चा हो रहा है, राम का। जैसे मेरे पास एक किताब है, तो मेरे पास एक किताब है तो कोई आएगा तो कहेगा नहीं उसके पास किताब, यानी मेरे पास, तो कहने का मतलब हाँ मेरा, यानी मैं सब जो हाँ चर्चित हो गया, यानी मैं क्या हो गया उस वाक में सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए वर्ब कहता है, ये वर्ब इज ए डूइंग वर्ड, ठीक है, ऐसा वर्ब डूइंग वर्ड दैट शोज एन एक्शन, एन इवेंट और ए स्टेप। मतलब कहता है कि वर्ब जो है एक काम करने वाला शब्द, काम करने वाला शब्द, जैसे कुछ भी हो जाए माने खेलना, लिखना, पढ़ना, हंसना, दौड़ना, धूपना, उससे क्या होगा, वो क्या करेगा, वो जो है कार्य की घटना को, उसका स्थिति को वो क्या करेगा, दर्शाएगा, दिखाएगा कि वो क्या कर रहा है। जैसे माने पढ़ना बोले तो पढ़ना बोले तो वो पढ़ रहा होगा, जैसे वो पढ़ रहा है, इसका मतलब हम जाएंगे उसके पास तो देखेंगे वो पढ़ रहा है, यानी उस काम से वो लगा हुआ है, उस काम में वो उससे प्रभावित हो रहा है। तो ये जो हो गया ये वर्ब हो गया, क्या हो गया, वर्ब हो गया, ठीक है। आगे वर्ब हम विस्तार से फिर पढ़ाएंगे आपको कि वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए वो ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट में कहता है कि अ नाउन और नाउन फ्रेज दैट इज अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ अ वर्ब और दैट फॉलोज अपॉन प्रीपोजिशन, ठीक है। मतलब देखिए क्या क्या सबसे मेन यहाँ पर क्या वर्ड बोल रहा है, अफेक्टेड, मतलब कि ये क्या कह रहा है कि सब्जेक्ट जो है इसमें परफॉर्म करता है, सब्जेक्ट में क्या करता है, परफॉर्म करता है, वर्ब में क्या करता है, ये जो है डूइंग वर्ड, मतलब ये जो डूइंग वर्ड, ये वर्ब जो है जिससे अफेक्टेड होगा, वर्ब से क्या होगा, अफेक्टेड होगा, देखिए यहाँ वर्ब से क्या होगा, अफेक्टेड होगा, यानी कार्य जो कर रहा है उससे कौन प्रभावित हो रहा है, तो जो प्रभावित होगा वो क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। जैसे राम आम खाता है, ठीक है, राम आम खाता है, तो राम जो है क्या खा रहा है, आम खा रहा है, यानी आम जो हो गया क्या हो गया, प्रभावित हो गया, ठीक है। भारत में लोग कोरोना से मर रहे हैं, कोरोना से मर रहे हैं, तो कोरोना से यहाँ पर कोरोना जो हो गया इफेक्ट कर रहा है, यानी उसको जो है कोरोना एक संक्रमित बीमारी जिसके कारण यहाँ पर लोग यहाँ पर क्या हो रहे हैं, मर रहे हैं, तो यहाँ पर कोरोना जो है यहाँ पर क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। जैसे हम लोग मान लिया कह सकते हैं राम ने रावण को मारा, तो राम को मारने वाला हो गया, तो ये समझ में आ गया सब्जेक्ट हो गया, मारा कोई काम हुआ मारा, तो ये वर्ब हो गया, लेकिन किसको मारा, तो रावण को मारा, तो रावण क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह से आपको यहाँ पर
नंबर समझ में आया कि सब्जेक्ट किसको कहते हैं, वर्ब किसको कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप सोच सकते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यहां पर एक छोटा सा टॉपिक आपको हम लेके चले थे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का। ठीक है, अब हम आपको अगले वीडियो में आपको हम एकदम सेंटेंस से शुरू करेंगे। कहां से शुरू करेंगे? सेंटेंस से। और सेंटेंस जो है अगला चैप्टर में हम आपको, अगला जो पार्ट रहेगा पार्ट 3 हमारा, उसमें हम आपको बताएंगे कि सेंटेंस किसे कहते हैं, कितने प्रकार के हैं, कौन कोई भी बात अगर बोलेगा तो आप बता सकते हैं कि वो कौन सा सेंटेंस में वो बोल रहा है। ठीक है, तो हम मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। आप जो है इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक करना ना भूलें, ताकि हमारा जो है हौसला और बढ़ता रहे और हम लगातार जो है अपने वीडियो को अपलोड करते रहें। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।